नमस्कार, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के राशि फल के बारे में। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के व्यावसायिक स्थिति में पहले से सुधार हो रहा है। परिवार की किसी वृद्ध महिला से तनाव मिल सकता है। शारीरिक स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी आपका व्यवसाय भी ठीक चल रहा है। प्रेम की स्थिति पहले से काफी बेहतर है। सूर्यदेव को जल देते रहे। वृष राशि के जातकों का मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। स्वतः ही अपनी चिकित्सा करना घातक सिद्ध होगा। कोई भी औषधि लेने से पहले डॉक्टरों की सलाह जरूर ले, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के चेहरे पर आज के दिन मुस्कान बिखरी रहेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। नए काम को पूरा करने में महिला सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। असुरक्षा दुविधा के चलते आप असमंजस में फंस सकते हैं। जल्दबाजी में फैसला ना ले। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को जीवन साथी का सहयोग रहेगा। विवाद मतभेद और दूसरों कि आप में कमियां निकालने की आदत को नजरअंदाज करें। रोमांस रोमांचक रहेगा, इसलिए उसे संपर्क करें जिसे आप प्रेम करते हैं और दिन का भरपूर लुफ्त लें। लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या रहेगी। आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा। वृद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। व्यावहारिक जीवन में आप कुछ निजता की जरूरत महसूस करेंगे। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातक अपने जीवन साथी के मामले में गैर जरूरी अड़ानों से बचे। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। गलत बातों को गलत वक्त पर कहने से भी बचें। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को आने वाले दिनों में धनार्जन हो सकता है। धन का आगमन हो सकता है। आज का दिन अच्छा गुजरेगा। आपका प्रेम मध्यम रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलते रहेंगे। रोजी रोजगार में नए अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। शनिदेव की आराधना करते रहे। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। यात्रा देशाटन की स्थिति आ सकती है, लेकिन सचेत रहे। मानसिक दबाव के बावजूद आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके व्यावहारिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। सूर्यदेव को जल देते रहे। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातक प्यार, उम्मीद, सहानुभूति, आशावादिता और निष्ठा जैसी सकारात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। एक बार ये गुण आपके अंदर रच बस जाएं तो हर हालात में वे खुद ही सकारात्मक तरीके से उभर आएंगे। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य में रुचि लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक मोर्चे पर चीजें अच्छी रहेंगी और अपनी योजनाओं के लिए आप पूरे सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आपको सेहत से जुड़ी परेशानियों के चलते अस्पताल जाना पड़ सकता है। अंततः सावधानी अपेक्षित है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मीन राशि की बात करें तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा और सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आने वाला समय आपका होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज का आपका दिन शुभ बीते। तब तक के लिए धन्यवाद।